संतोषी के होते हुए देवी संतोषी की यह अवस्था सोचा नहीं था हमने। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हम कैसे भूल गए कि भगवान तो मन में बसा होता है। मूर्ति या फोटो तो बस एक प्रतीक है। हमारी संतोषी माँ की भक्ति को कोई नहीं हटा सकता। भगवान भी तो यही अभिलाषा रखते हैं कि उनके भक्त उन्हें मन में बसाएं। एक माँ के लिए उसकी बेटी के हृदय से उत्तम स्थान और नहीं हो सकता। और सच्ची भक्ति तो मन से ही होती है। धन और दिखावा ऊपरी होता है। क्यों नहीं हम क्रांति माता को घर पर आमंत्रित करें? इससे उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा और माफी भी, साथ में हमारा घर भी पवित्र हो जाएगा। सुनिए, आप पर्सनली जाकर उन्हें इनवाइट कीजिए, साथ में एक चांदी की थाली और कुछ गिफ्ट्स लेकर जाइएगा। किसी भी तरह उन्हें घर पर आने के लिए राजी कर लीजिए। वाह भाभी, क्या दिमाग लगाया, ग्रेट आइडिया। एक बार क्रांति माँ के कदम इस घर में पड़ जाएं, तो हम सब का कल्याण हो जाए। मैं अभी जाता हूँ, सबसे पहले संकेत को फोन करके ज्वेलर्स के पास से एक बढ़िया सी चांदी की प्लेट ऑर्डर करवाता हूँ, जिसे देख कर क्रांति माँ प्रसन्न हो सके। अरे बहुत हो गया तेरा तमाशा, पैसे कहे मारे? भाई दे देंगे पैसे, थोड़ा सबर तो रखो, अभी हमें नीचे तो उतारा भाई। अरे भाई भरोसा रखो। भरोसे के लायक तो तू है नहीं, इसलिए हमें कोई गारंटी दे ताकि तू हमारा पैसा कल तक लौटा देगा। अब ऐसे हालात में कहाँ गारंटी दूँ यार। कुछ भी दे, वरना ये उल्टा लटका के रखेंगे घंटे की तरह। कहाँ गारंटी दूँ यार। अच्छा ठीक है, हम तुमको गारंटी देंगे, पर पहले हमको वादा करो कि तुम उसका कुछ नुकसान नहीं करोगे। ठीक है, पर याद रहे, अगर कल तक हमारे पैसे वापस ना मिले तो जो अमानत दे रहा है ना वो खर्च हो जाएगी। अरे ओ टिनवा, ऐसे तो कहीं जाता नहीं है। अब बूढ़ी माई से पूछते हैं। चिनुआ को देखे हो क्या कहीं? अरे अभी बाहर तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। हे भगवान, कहाँ चला गया मेरा लाल? हेलो, कौन? हम जो बोल रहे हैं एक बार में कान खोलकर साफ साफ सुन लो। टीनू हमारे कब्जे में। अगर टीनू की सलामती चाहते हो तो कल तक 10,000 रुपयों का इंतजाम कर रखना। 10,000? भैया कौन बोल रहे? फालतू सवाल नहीं, पुलिस को बताने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ? किसी नास पीटे ने उसका अपहरण कर लिया है। क्या बक रही है दक्षा? अम्मा, वही नास पीटे का फोन था, 10,000 रुपए मांगे। हाय दया जी, जी जी हम कहाँ सुन रहे हैं? तीनों का अपहरण हो गया है। अम्मा हमारे हिसाब से तो गुंडों का चक्कर बहुत ही खराब होता है, जरा सी भी लापरवाही बहुत ही भारी पड़ सकती है। अम्मा हम तो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसों का जुगाड़ करके टीनू को छुड़ा ले, नहीं तो अगर टीनू को कुछ हो गया। अम्मा नहीं, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी बलि क्यों ना देनी पड़े। हेलो, हम संतोषिया की ताई बोल रहे हैं। संतोषिया से बहुत जरूरी बात करनी है, उसे बोलिएगा उसके छोटे भाई को लेकर कोई बात करनी है। संतोषी इस वक्त बात नहीं कर सकती, घर में खास मेहमान आने वाले हैं। फोन रखिए, परेशान मत कीजिए। क्रांति माँ आ गई, क्रांति माँ आ गई, क्रांति माँ आ गई। चलो जल्दी जल्दी सब चलिए। बोलो क्रांति माता की, बोलो क्रांति माता की। अपने चरण इस पदुका पर रख दीजिए। धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हम। नमामि क्रांति माँ, नमामि क्रांति माँ, नमामि क्रांति माँ, नमामि क्रांति माँ।
लाओ आरती की थाली हमें दो। रुकिए, आप हमारी आरती नहीं करेंगी। ऐसा क्यों माँ, हमसे फिर से कोई भूल हो गई क्या? जब आप सभी हमारे आश्रम आए थे तो हमारे एक भक्त ने बताया कि आपके साथ कोई संतोषी माता की भक्त भी थी, उसी की वजह से वो अपशकुन हुआ। हमें जानना है कौन है वो। माँ वो हमारे घर की एक मामूली सी नौकरानी है। सामने लाइए उसे, देखे तो कौन है जो हमसे टक्कर लेना चाहता है। माँ ये है संतोषी।